ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग विच इज बेटर ठीक है सर जैसा कि सर मैंने आपको बताया मैंने जो भी कराया है मैंने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में कराया मैंने ऑप्शन बाइंग में कभी कुछ नहीं किया मुझे ऑप्शन बाइंग अच्छी भी नहीं लगती और मेरी सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है ठीक है अब आई टेल यू सर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के कितने तरीके हैं एक तरीका होता है ये एक तरीका होता है ये प्राइज एक्शन बनाने वाला ठीक है। एक तरीका होता है ये ये ऊपर गया है ये ऊपर गया है और नीचे आने के तरीके होते हैं ये और ये ठीक है ये एक तरीका और एक तरीका होता है वेन इट इज स्टक इन द रेंज सो दीज आर द फाइव पाथ फॉर मार्केट टू मूव फॉर मार्केट मूवमेंट वी कैन से राइट सर सो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको किस में फायदा होगा इसमें फायदा होगा ठीक है ऑप्शन बायर है तो सिर्फ आपको इन पांच में से एक में फायदा होगा वन आउट ऑफ फाइव ठीक है सर यानी कि आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई प्रॉफिटेबिलिटी की सिर्फ ट्वेंटी परसेंट मात्र आपके पांच में से चार रेट लॉस में जाएंगे और एक ट्रेड पॉजिटिव जाएगा यस, yes, जो पॉजिटिव में जाएगा वो शायद आपका अच्छा प्रॉफिट ले सकता है लेकिन इससे आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा जस्ट इमेजिन एंड दैट इज द रीजन वाई 99% नाइन परसेंट ऑफ रिटेलर्स लूज देयर मनी दिस इज द रीजन बिकॉज सक्सेस रेट ही ट्वेंटी परसेंट है उसमें घुसोगे तो जाओगे कैसे ऑन द अदर हैंड ऑप्शन सेलर अगर आपने कॉल सेल करी है आपको केवल इसमें लॉस होगा आपको इसमें प्रॉफिट होगा इसमें लॉस है इसमें प्रॉफिट होगा इसमें आपको प्रॉफिट होगा इसमें आपको प्रॉफिट होगा एंड इसमें इस भी आपको प्रॉफिट होगा सो फोर आउट ऑफ फाइव टाइम्स यू विल गेट प्रॉफिट सो आपका जो स्ट्राइक रेट हो गया ऑटोमेटिकली एटी परसेंट हो गया सो so, सर आप कुछ मत करो आप सिर्फ अपने आप को ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलिंग पे आ जाओ आपका 20% का जो प्रॉफिटेबिलिटी एरिया है वो आपका 80% हो जाएगा यही लोग रिटेलर्स मैक्सिमम गलती करते हैं दे डोंट नो कि उनको लॉस क्यों हो रहा है बिकॉज मार्केट में कुछ चीजें हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स जो कि कहलाती है क्या डेल्टा थीटा गामा वेगा एंड रो रो विच आई नेवर यूज रो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वेगा यानी कि इंप्लाइड वॉलिटिलिटी ये सब क्या है ये हर कोई आपको ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट एज एन ऑप्शन सेलर दे रहा है ये सारी चीजें ऑप्शन ग्रीक्स जो हैं दीज आर बेनिफिशियल टू दी ऑप्शन सेलर दीज आर नॉट बेनिफिशियल टू दी ऑप्शन बायर दीज आर अगेंस्ट ऑप्शन बायर सो ये चीज रिटेलर्स को नहीं पता है दे डोंट नो वॉट इज हैपनिंग इन द मार्केट मार्केट ने ऑप्शन सेलिंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ है एंड दिस ऑप्शन ग्रीक्स आर द रीजन मार्केट हैज नॉट बीन डिजाइंड फॉर ऑप्शन बाइंग मार्केट ऑप्शन बाइंग के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं है ऑप्शन बाइंग डिजाइन हुई है ओनली एंड ओनली फॉर हेजिंग लोग कंसेप्ट गलत कर गए हैं वो समझते हैं ऑप्शन बाइंग जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए है एंड इसको बाय करो और प्रॉफिट कमाओ ये कंसेप्ट गलत है ये अपना चैनल इंक्रीज करने के लिए सब्सक्राइबर बेस करने के लिए दे आर गिविंग स्टूप स्ट्रेटजीज फॉर पीपल टू एंगेज इन बाइंग बिकॉज उनको पता है कि मैक्सिमम रिटेलर जो है दे हैव कम विथ ओनली हाउ मच ट्वेंटी टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज उनको ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ा के क्या फायदा वो लोग ये चीज क्यों बताए कि भाई ऑप्शन ग्रीक्स जो है मार्केट में प्रीमियम डिसाइड करने का कि आपका प्रीमियम क्या होगा ये डिसाइड करने का आप ऊपर जाएगा मार्केट इस पोजिशन में जाएगा इस पोजिशन में जाएगा इसमें इस इस जाएगा इसमें इस जाएगा इसमें जाएगा इस तो ऑप्शन ग्रीक्स डिसाइड करेंगे कि प्रीमियम क्या होगा बट ये चीजें आप रिटेलर्स को क्यों बताएंगे बिकॉज उसके पास ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है उसको ऑप्शन सेलिंग नहीं सिखा सकते ना उसको क्या सिखा सकते हैं फ्री की स्ट्रेटेजी सिखा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं तू इसमें पैसा लगा मेरा वीडियो देख

आपको ऑप्शन सेलर को 80 परसेंट प्रॉफिटेबल बना रहे हैं एंड वही ऑप्शन ग्रीक्स एक ऑप्शन बायर को 80 परसेंट लूजर बना रहे हैं जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे आपकी साइकोलॉजी में चेंज नहीं आएगा आप स्ट्रेटेजी लेके करेंगे क्या नहीं समझ पाएंगे इस चीज को ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट्स द मार्केट दे डोमिनेट दिस मार्केट बिकॉज मार्केट हैज बीन डिजाइंड इन अ वे टू बेनिफिट ऑप्शन सेलर्स बाय गिविंग ऑप्शन ग्रीक्स सर ऑप्शन ग्रीक्स डाली क्यों आप कहते कि यह जो प्रीमियम है यह प्रीमियम है इसकी जितनी भी इंट्रेंसिक वैल्यू है वही है एक्सट्रेंसिक वैल्यू कोई है ही नहीं जो ऊपर है वो जीरो है और जो अंदर है उसकी सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू है प्रीमियम की आप ऑप्शन ग्रीक्स डाल क्यों रहे हो आप अगर लोगों को बाइंग कराना चाहते हैं तो आप थीटा डेल्टा गामा वेगा इन सब से इन बायर्स का लॉस क्यों करा रहे हो बिकॉज मार्केट बाइंग के हिसाब से बना ही नहीं है ये लोग समझ नहीं पा रहे मार्केट ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से बना है ऑप्शन ग्रीक्स इसलिए डिजाइन किए हैं कि ये ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट करें 99% ऑफ़ द टाइम्स टाइम होता है कि जब आप ले लो तो आपका गामा बढ़ जाएगा आपका वेगा बढ़ जाएगा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाएगा एक परसेंट होता है वो और वो एक परसेंट भी कब होता है ओनली ऑन वीकली एक्सपायरी के दिन तो क्या आप एक वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है एक वीक में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं फाइव तो वन बाय फाइव करिए क्या हो गया ट्वेंटी परसेंट लाइक आई सेड आप लोगों का ऑप्शन बाइंग का जो है प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ही है दैट इज इट बिकॉज ये ऑप्शन ग्रीक्स केवल वो भी दो गामा एंड वेगा ये दोनों बाइंग में सिर्फ एक ही दिन आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं वो है वीकली एक्सपायरी उसके अलावा आप कभी नहीं कमा पाएंगे इसीलिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है बाकी के चार टाइम्स जो 80 है दैट विल बी योर लूजिंग स्ट्रीक आप कोई भी ऑप्शन बायर देख लीजिए उसकी जो लूजिंग स्ट्रीक होगी वो बहुत ज्यादा होगी इट वुड बी मोर देन सिक्सटी परसेंट आई कैन वॉच फॉर इट ठीक है बहुत कम होंगे जिनकी लूजिंग स्ट्रीक जो है वो सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट से ज्यादा होगी ठीक है रिस्क be मैनेजमेंट थोड़ा ठीक है that is why people say कि सर इतना लॉस हो गया प्रॉफिट भी आता था बट लॉस ज्यादा होता था वाई बिकॉज आपका एट्टी परसेंट जो है वो लॉस में जा रहा है ट्वेंटी परसेंट जो है वो आपका प्रॉफिट में आ रहा है तो जब अस्सी रुपए आप कमाओगे और बीस रुपए कमाओगे तो साठ तो आपका लॉस में ही चला गया ना और हर रोज अगर आप साठ 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 हर वीक साठ दोगे देते देते ये कब आपका लैक्स में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दैट इज वाई ऑप्शन सेलिंग इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज बेटर देन ऑप्शन बाइंग बिकॉज मार्केट हैज बीन डिजाइंड फॉर ऑप्शन सेलिंग वाई यू थिंक एफ आई आईज आर ऑप्शन सेलर एंड नॉट बायर्स वाई यू थिंक डूइंग हैजिंग कंपल्सरी फॉर ऑप्शन ये एफ आई आई दे हैव टू हेज एंड हैजिंग क्या हैजिंग है ऑप्शन है, को बाइंग करना ओनली इफ यू हैव अउंटर शॉर्ट पोजिशन और लॉन्ग पोजिशन इन इक्विटी और इंडेक्स दिस इज वॉट हैजिंग इज लोग हैजिंग को ना समझ के ऑप्शन बाइंग को स्ट्रेटेजी मान लेते हैं ऑप्शन बाइंग एक जरिया है इट इज अफ डूइंगजिंग हैजिंग स्ट्रेटजी है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी नहीं है यह एक तरीका है हैजिंग करने का लोग समझते हैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी दे दो ऑप्शन बाय कर लो हो गया लॉन्ग स्ट्रैटल बना दो हो गया हैजिंग का तरीका है सो so, इस राह नहीं जाना है बिकॉज ये राह आपको केवल ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट देगी वन आउट ऑफ फाइव टाइम्स प्रॉफिट देगी इस राह पे चलना है एफ आई आई इसको पकड़ना है ये क्या कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट इस राह को पकड़ना है क्योंकि ये एट्टी परसेंट टाइम्स प्रॉफिटेबल है जैसा अभी मैंने आपको बताया ये फोर आउट ऑफ फाइव टाइम्स प्रॉफिटेबल है ये वीक में चार ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट कमाते हैं एक ट्रेडिंग सेशन में 90 परसेंट चांस है प्रॉफिट कमा कर जाएंगे वन परसेंट होगा टेन परसेंट हो सकता है कि ये लॉस कमाए और हमें क्या टारगेट करना है जो मार्केट में 90 परसेंट हो रहा है टेन परसेंट तो कुछ भी हो सकता है विच नो वन कैन प्रेडिक्ट टेन परसेंट में फेड आ सकता है इन्फ्लेशन आ सकता है इंडियन बर्ग आ सकता है रशिया यूक्रेन वॉर आ सकता है यूएस का कोई लेबर कंज्यूमर इंडेक्स का डेटा आ सकता है बैंक कॉलेब्स हो सकते हैं सिग्नेचर बैंक या बैंकिंग का कोई बैड न्यूज आ सकता है आरबीआई पॉलिसी का बैड न्यूज आ सकता है एमपीसी आ सकता है कुछ भी हो सकता है दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट यू कैन प्रेडिक्टाइटी परसेंट सो नाइनटी परसेंट यू हैव टू बी राइट एटलीस्ट सो दैट इज वाई यू हैव टू फॉलो एफ आई आई एंड यू शुड क्विट ऑप्शन बाइंग बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इट इज स्ट्रैटजी इज हैजिंग ऑप्शन बाइंग इज अ वे ऑफ डूइंग हैजिंग ऑप्शन बाइंग से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं. आप एक दिन जरूर गवाएंगे यू कैन अर्न कंटिन्यूस मनी ऑनली एंड ऑनली थ्रू ऑप्शन सेलिंग बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज ट्रेडिंग ये होती है ट्रेडिंग दिस इज ट्रेडिंग एटलीस्ट आई कंसिडर इट एज अ ट्रेडिंग आई डोंबाउट अदर्स बिकॉज एफ आई आईज ये कर रहे हैं ऑप्शन बाय ना करते हैं वो ऐसे थोड़े ना बैठे रहते हैं कि उन्नीस सात सौ का जो चार रुपए का जो कॉल है उसको मैं बाय कर लूंगा एंड वो डबल हो जाएगा और मेरा डबल प्रॉफिट हो जाएगा तो वो एक लाख करोड़ रुपए जो ऑप्शन सेलिंग में लगाते हैं वो एक लाख करोड़ रुपए अगर ऑप्शन बाइंग में लगाएं तो जस्ट इमेजिन सर उनका प्रॉफिट कितना होगा हर रोज वो यहां से दो लाख करोड़ रुपए लेकर जाएंगे मार्केट से बट वो क्यों नहीं करते वो क्यों नहीं ले जाते बिकॉज दे नो दिस इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज शॉर्टिंग करना है शॉर्ट सेलिंग करना है ऑप्शन सेलिंग करना है आपको क्या लग रहा है हिंडनबर्ग जो है वो क्या है हिंडनबर्ग ने वो अपने आप को शॉर्ट बायर भी तो वो अपने आप को बायर भी तो कह सकता था ऑप्शन बायर व्हाट ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज़ ऑप्शन सेलर व्हाई वो शॉर्ट सेलर क्यों है वो ऑप्शन बायर क्यों नहीं है बिकॉज़ ही माइट बी फॉलोइंग दिस वो इनको फॉलो नहीं कर रहा ठीक है सो फॉलो एफआईआई टू अर्न योर प्रॉफिट्स ठीक है सर सो so, वाई ऑप्शन सेलिंग इज मच बेटर देन ऑप्शन बाइंग दिस इज द रीजन ये रीजन है वाई ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग